आप क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, तो उसमें क्या लिखा? इसमें लिखा है, बहुत पहले लोग घर में नहीं रहते थे, वे पेड़ों के नीचे या गुफाओं में शरण लेते थे, पर बरसात, ठंड, आंधी और कड़ी धूप में वहां रहना बहुत कठिन था। एक दिन दो दोस्तों ने तय किया कि वे घर में रहेंगे, किंतु शुरुआत कहाँ कैसे करें? अच्छा, तो पहले कहाँ रहते थे लोग? इसमें लिखा है कि वो पेड़ों के नीचे या गुफाओं में शरण लेते थे। अच्छा, आपको क्या लगता है वो कहाँ रहते होंगे? बुक में जो लिखा वो सही है? मुझे गुफाओं में लगता है, गुफाओं में लगता है। तो गुफा गुफा क्या होता है? जैसे मतलब केव, केव। हाँ ठीक है, तो केव क्या होता है? केव जैसे पत्थर का ऐसे होता है ऐसा, और उसमें हम रह सकते हैं, जैसे ये बना है अच्छा, या तो ये फिर पत्थर का ही बना हुआ है कि और किसी का भी बन सकता है? और किसी का बन सकता है, ये किसका बन सकता है? जैसे लकड़ी को हम इस फायर में काट देंगे और उसमें गोल दरवाजा जैसे करेंगे और एक खुला रहेगा कुछ, और इससे हम अंदर बाहर जा सकते हैं अच्छा और वो घर के जैसा ही है। अच्छा तो ये केव आपने पहले देखा है? गुफा देखा है पहले? अच्छा, मुझे याद नहीं है। आपको याद नहीं है। तो आपको कैसे पता चला कि केव कैसे होता है देखने में? छवि देख, पिक्चर देख के आपको लगा? इसी पिक्चर देख के आपको लग रहा है? नहीं, तो जो मैंने टीवी पे भी केव देखे हैं, अच्छा, टीवी में केव देखा है? टीवी में कहाँ देखा? जैसे कार्टून्स में या कौन फिर कौन से कार्टून में? ये नहीं याद। अच्छा, मगर उसका केव देखा? हाँ, और मैंने लैपटॉप पे भी एक लाइन में, राय में केव देखा था। हाँ तो केव में लोग रहते होंगे तो क्या क्या करते होंगे, कैसे रहते होंगे केव में? वो बैठते होंगे या खाने की तैयारी करते होंगे। अच्छा, तो केव में खाने की तैयारी क्यों करेंगे वो? बाहर क्यों नहीं करेंगे खाने की तैयारी? बाहर भी कर सकते हैं, पर मुझे ठीक से नहीं पता है। अच्छा, मगर आपको लगा कि केव में भी कर सकते हैं ना वो खाने हाँ, की तैयारी, तो ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि लकड़ी हम रखेंगे और पत्थरों को घिसेंगे तो आग जलेगी, ओके, पत्थर को घिस के आग जला के लकड़ी से हम आग जलाएंगे। लकड़ी पे आग लगेगी और हमें ठंड है तो हम उससे सेक भी सकते हैं और हम वो खा भी सकते हैं उसमें रख कर, नहीं, मगर है केव ना? में नहीं करके हम बाहर भी तो कर सकते हैं। केव में ही क्यों करें? केव में हाँ, इसने बाहर भी कर सकते हैं। अच्छा, तो जो काम बाहर हो सकता है सब केव में हो सकता है। नहीं, हाँ शायद, पर कुछ काम शायद केब में नहीं हो सकते क्या हैं। है वो हो सकता है जो केव में नहीं हो सकता है या नहीं करना चाहिए? जैसे कि पेड़, पेड़ तो नहीं होगेंगे। केव के अंदर हाँ, सिर्फ एक ही चीज से उग सकते हैं, मिट्टी लाएंगे, उनमें बीज लगाएं डालेंगे या फिर और उगेगा, ओके और पहले हमें पत्थर की किसी
गोल चीज को जैसे कटोरी होती है वैसा बनाना पड़ेगा, उसमें हम रखेंगे मिट्टी को और फिर उगेगा। अच्छा, तो केव में ऐसा क्या है जो बाहर नहीं हो सकता है? आपने अभी बोला जो बाहर है मगर केव में नहीं हो सकता है, राइट? जैसे पौधे, मगर अभी मैं पूछ रहा हूं कि केव में ऐसा क्या होगा जो बाहर नहीं होता होगा? केव में ऐसा क्या विशेषता है, क्या स्पेशियलिटी है जो बाहर नहीं है? कि हमें ज्यादा नहीं चलना पड़ता है, केव में जैसे हम इस तरफ चलेंगे तो थोड़ा सा ये पत्थर आ जाएगा, पत्थर की दीवार में, पत्थर की दीवार आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो केव में शरण लेते थे, ये लिखा है कि केव में शरण लेते थे, राइट? तो शरण लेने का क्या मतलब हुआ? शरण लेते क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। अच्छा, ठीक है। तो इसके बाद और एक लाइन बोला उन्होंने, देखो तो क्या लाइन बोला। हाँ। नहीं, इसी पेज में ना, इसी पेज में आप जब नेक्स्ट लाइन पढ़ रहे थे। एक दिन दो दोस्तों ने तय किया कि वे घर में रहेंगे। नहीं, घर में रहने के पहले जो लाइन है, घर में रहने का पहला लाइन, पर बरसात, ठंड, आंधी और कड़ी धूप में वहां रहना बहुत कठिन था। हाँ, तो क्यों कठिन था? आपको क्या लगता है क्यों केव में ऐसे रहना मुश्किल होगा? क्योंकि साथ घर में तो हम दरवाजा लगा सकते हैं, पर जो केव होता है उसमें तो धूप जाएगी ही और धूप उसमें जाएगा। दरवाजा नहीं होता है। अच्छा, केव में दरवाजा नहीं होगा क्योंकि वो पूरा खुला होता है, अच्छा। और आंधी भी आएगी, ठंड भी लगेगी, ठंड बाहर की, पर ठंड से हम बच सकते हैं। कैसे? लकड़ी, आग जला के। अच्छा, आग जला के, केव के अंदर आग जलाएंगे तो लकड़ी से। अच्छा, तो हो सकता है। अच्छा, तो अब क्या अभी भी सबके पास घर है? क्या सब घर में रहते हैं अभी भी? कुछ हाथ में रहते हैं। अच्छा, हाट में रहते हैं क्या? घर में रहते हैं, मतलब सबके पास घर है अभी? हाँ, पर कुछ, पर मुझे लगता है पर शायद कुछ के पास नहीं होता, मुझे ठीक से नहीं पता है। ओके, ठीक है, तो आगे जाओ, आगे पढ़ो, क्या पढ़ा? एक दिन दोस्तों ने तय किया कि वे घर में रहेंगे, किंतु शुरुआत कैसे करें? तो एक मिनट, तो ये जो घर में रहेंगे उन्होंने सोचा, तो इसके बाद वो क्या कर किया होगा? आपको क्या लगता है उन्होंने क्या किया होगा? इसमें लिखा है। अच्छा, इसमें लिखा है, ठीक है, तो इसी को पढ़ लो। दोनों दोस्तों ने हाथी के पास जाकर पूछा कि उन्हें शुरुआत कैसे करनी चाहिए। हाथी ने सोचकर कहा, तुम्हें मेरे पैरों की तरह मजबूत और मोटे चार खंभे बनाने होंगे, पर आगे मुझसे मत पूछना क्योंकि मुझे नहीं पता। दोनों दोस्तों ने ही वैसा ही किया कि जैसा कि हाथी ने सुझाया था और चार मोटे खंबे बनाए। हाँ। तो ये मोटे खंबे किससे बनाया होंगे? दो दोस्तों ने। नहीं, वो दो दोस्तों ने बनाया, मगर किससे बनाया होगा मोटे खंबे? इसमें बना हुआ ऐसे मोटे लकड़ियों के स्तंभ। अच्छा, लकड़ियों से बनाया उन्होंने। हाँ, जो लंबे है। तो आपको लगा कि लकड़ियों से बनाया कि उन्होंने लिखा कि लकड़ियों से बनाया? मुझे लगा क्योंकि इसमें बने भी है ऐसे स्तंभ, तो मुझे लग रहा है। अच्छा, पर इसमें लिखा नहीं है। ओके, ठीक है, तो आगे जाइए, नेक्स्ट में क्या लिखा है? फिर वे सांप के पास गए और उससे पूछा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। सांप ने
थोड़ी देर सोचा और तब कहा, तुम्हें कुछ बल्लिया बनानी होंगी मेरे जैसी पतली और लंबी, पर आगे मुझसे मत पूछना क्योंकि मुझे नहीं मालूम। दोनों दोस्तों ने वैसा ही किया जैसा सांप ने सुझाया था, पर घर तो अभी भी नहीं बना था। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया उससे? बल्लिया क्या है वो? बल्लिया हमें भी दिखाओ, क्या है वो? ये बल्लिया। अच्छा, वैसे ये सांप ने बोला। अच्छा, सांप ने बोला, तो सांप से ही तो नहीं बना लिया? नहीं, सांप से बना लिया क्या उन्होंने? हाँ, ऐसा लगता है। नहीं, हाँ, क्योंकि इसमें यहाँ पे सांप का मुंह है। अच्छा, बस जो इसमें बहुत तीन मुंह है, तो ये सांप से नहीं बनाए होंगे, सांप की खाल से बनाए होंगे। नहीं तो सांप से बनाया होगा, ये सही बात होगा क्या कि घर बनाने के लिए सांप का इस्तेमाल कर रहे होंगे? नहीं, या फिर कोई सांप के जैसे रस्सियां होंगी। सांप के जैसे रस्सियां होंगी? नहीं, मगर सांप जैसा सांप को ही बांध के कर लेना ये सही होगा? नहीं। क्यों नहीं? उसे दर्द होगा। किससे? सांप को? हाँ। अच्छा, स्ट्रेच करने में। ओके, और एक बार बांध देंगे तो सांप तो जा भी नहीं सकता है ना इस जगह से? हाँ। तो ये ठीक नहीं है आप बोल रहे हो? हाँ। अच्छा ठीक है, तो आगे देखो क्या बोल रहा है वो। फिर वे दोनों भैंस के पास गए और उससे पूछा कि आगे क्या करें। भैंस ने सोचा और कहा, तुमने उस मरे हुए भैंसे का कंकाल देखा है? तुम्हें इसी तरह का छत बनाना होगा, पर मुझसे मत पूछना कि आगे क्या करना है क्योंकि मैं नहीं जानती। दोनों दोस्तों ने वैसा ही किया जैसे कि भैंस ने बताया था, लेकिन घर तो अब भी पूरा नहीं हुआ था। तो अभी तक घर में क्या क्या पूरा हुआ? घर में अभी क्या क्या बनाया उन्होंने? इस बार को भी मिला के। नहीं तो क्या मिला उनको अभी? अभी वो क्या बनाए? जो ये मरे हुआ भैंसे का कंकाल ने जैसा ही छत बनाया। अभी छत बनाया, सबसे पहले क्या बनाया था? घर की दीवार। दीवार बनाए थे, पर वो मोटे खंबे जैसे ही थे, पर वो दीवार के जैसे थे। अच्छा, तो खंबा और दीवार एक ही है? नहीं। अच्छा, तो खंबे बनाए थे और इसके बाद खंबे बनाने के बाद उन्होंने क्या किया था? रस्सी को बांधा था। और लास्टली अभी उन्होंने छत बनाया है, और छत किसके जैसे है? मरे हुए भैंसे का कंकाल जैसी। अच्छा, तो ये उसका मुंह, ये उसका शरीर, ये हड्डी। राइट, मगर छत जो बनाया वो किसके जैसे है? उसके मुख के जैसे है, किसके जैसे है? उसके शरीर जैसे, शरीर के कंकाल का जैसे। हाँ। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके कंकाल से ही बना मरे हुए भैंसे की। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ। तो मरे हुए भैंसे का कंकाल से हम छत बनाएंगे। हाँ। तो ये ठीक है? अच्छा, तो जैसे कि आप घर बनाना चाहते हैं, तो आप भी ऐसे ही घर बनाएंगे? नहीं। क्यों? मैं तो ईंट लाऊंगा। आप ईंट के घर बनाओगे? हाँ। अच्छा, तो ठीक है, ईंट के घर, आपके घर के बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, अभी आगे चलते हैं। नहीं, थोड़ा जोर से भी पढ़ सकते हो आप। आगे वे एक मछली के पास गए और मछली ने
पलकों को देखो, तुम्हें सूखी पत्तियों से ऐसी ही परत बिछाकर छत तैयार करनी होगी, बिल्कुल मेरी शल्कों की तरह। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ, शल्क की तरह सूखी पत्ती, क्या मतलब है ये? जैसे इसमें ये जो निशान है उससे शल्क बोल रही होगी। अच्छा अच्छा, और पत्तियां इसके शल्क जैसे देखिए। अच्छा, तो छात किससे बनाया उन्होंने, मछली से बनाया कि पत्ते से बनाया? पत्ते, पत्तों से बनाया, क्योंकि इसमें लिखा है। अच्छा, क्योंकि इसमें लिखा है इसलिए। हाँ। या मछली ने बोला है इसके लिए? हाँ, मछली ने ही बोला है। अच्छा, मछली ने उनको ऐसे बोला इसलिए उन्होंने ऐसे बनाया। हाँ? हाँ। अच्छा ठीक है। दोनों दोस्तों ने वैसा ही छत बनाया और अब उनके पास एक घर था जो उन्हें आंधी बरसात गर्मी और ठंड से बचा सकता था। अच्छा, हाँ। तो इस घर से वो बच गए। हाँ, ये है उस घर की फोटो। अच्छा, तो उस घर में जिन जिन से उन्होंने मदद मांगा था सब उस घर में रह सकते हैं क्या? हाँ, मछली को छोड़ के, क्योंकि वो पानी में रहती है, उसका घर तो पानी ही है, और अगर वो पानी से जाएगी तो वो मर जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब उस घर में सांप, हाथी और भैंस, वो तीनों रह सकते हैं। हाँ? हाँ। अच्छा, और उस घर में दोनों भाई भी रह सकते हैं। हाँ। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा तो सबको एक साथ रहने में? झगड़ा करेंगे वो आपस में नहीं? शायद हो सकता है, हाथी बड़ा होता है बहुत। अच्छा। हाँ, पर ये पुराना जमाना है। तो पुराने जमाने में हो सकता है ये हाथी है, पर मैमथ होता है पुराने जमाने में। हाँ, हाथी तो मर गए नहीं थे। अच्छा, हाथी नहीं थे तब? नहीं, शायद उस जमाने का बात कर रहे हैं जब हाथी थे। माँ हाथी है, अभी भी है ना? हाँ। तो शायद मैमथ के समय का बात नहीं कर रहे होंगे वो। हाँ, ये शायद हमारे समय के बस थोड़े से पीछे है। हाँ, थोड़ा सा पीछे। कितना पीछे होगा? कितने साल पीछे होगा? अभी 2000 में है तो 19,000 शायद। अच्छा, 2019,000। अच्छा ठीक है, 2019,000 नहीं, अभी 2020 है। 17,000। अच्छा, 17,000 या 18,000? क्या 18,000 क्या है, साल, दिन? साल। साल, अच्छा, 18,000 साल या फिर जो उतने साल। अच्छा, अभी 18 साल हो गए? नहीं, मैं जैसे 2000 में 19,000 में ऐसे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, 2020, 2019, 2018 में नहीं। अच्छा अच्छा, तो ये काफी पहले है, मगर उतना भी पहले नहीं है जब मैमथ था। नहीं, मैमथ के बाद वाला टाइम है वो। हाँ, मगर पहले ही है। तो यह तुम्हारे जन्म के पहले? हाँ। मेरे जन्म के पहले? तो नाना नानी के जन्म के पहले? उनका जन्म का नहीं पता। नहीं, मतलब ये स्टोरी उनके पहले होगा कि बाबा? हाँ। तुम ही कब पैदा हुए? मैं तो आज से 40 साल पहले पैदा हुआ। मतलब कितने? 2000 19,000 कितने? नहीं, 19,000 नहीं, 1980। आज से 40 साल पहले। पर लगता है नाना नानी या फिर 19। तो नाना नानी 50 70 ईयर्स पहले जन्म हुआ उनका। हाँ।
70 साल पहले? नहीं, मुझे मम्मी तो 19 साल और 18 साल के बीच में हुई, तो 19 साल के अंदर हुई, तो पर मैंने बताया 18 या 17, पर मेरी नानी साथ नहीं, ये जो 18 स्टोरी में है, है। नहीं ये जो स्टोरी है, ये नानी के जन्म के पहले का है कि बाद का है? मैंने 18 17 बोला, इसलिए पहले भी और नहीं उसके बीच में भी नहीं नहीं मैं होगा। बोल रहा हूँ ये जो स्टोरी है, तो क्या तुम्हें लगता है कि नानी के जन्म के टाइम में भी लोगों ने घर नहीं बनाया होगा, सीखा नहीं, होगा? पर मेरी नानी नहीं तो घर में रहती है, तो शायद ये 17 है, अच्छा नहीं 17 से भी आगे है, पहले है। ठीक है, तो हम देखेंगे। हाँ मुझे हाँ पूरी तरह से तो हमें बाद में ये देखना होगा कि क्या सभी के पास घर है क्या, इसके ऊपर हमें एक बार बात करना होगा कभी। नहीं,